अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट इफ्तिखार अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल मिस्टर इलेक्ट्रिशियन। सो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि एक वायर को किस तरह टर्मिनेट किया जाता है पैनल में। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एक वायर को पैनल में किस तरह टर्मिनेट किया जाता है। ये मेरे पास एक पैनल है, इसमें जो मैं वायर की टर्मिनेशन करूँगा वो वायर ये है जी। आपको साइज से पता चल रहा होगा, ये मेरे पास 95 mm की है 3 कोर। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, मैंने ये केबल की पुलिंग की हुई है पैनल के बिल्कुल नीचे से। ये मेरे पास आर्मर्ड केबल है, आर्मर्ड केबल जिसके अंदर जो है ना वो 3-4 लेयर्स होती हैं इंसुलेशन की, और उसमें जो है ना वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसमें एक मिनट, ये देखें, आर्मर केबल है, इसमें ये जो है ना 3-4 लेयर्स होती हैं इसकी प्रोटेक्शन के लिए, तो इसको हम आर्मर केबल बोलते हैं। तो किस जगह पे इस पर हम ग्लैंड लगाते हैं और किसी जगह पे वैसे ही हम लोग जो है ना वो इसको टर्मिनेट कर देते हैं, लेकिन ये रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है कि आपने ग्लैंडिंग करनी है या इसको डायरेक्ट आपने टर्मिनेशन करना है। तो इस पैनल में मैं इसको डायरेक्ट टर्मिनेशन करूँगा। तो सबसे पहले आपने जो ख्याल करना है वो आपने आपकी जो ड्रेसिंग है वायर की वो आपने अच्छे से कर लेनी है। ये ना हो कि आपकी वायर कोई कहीं पे छोटी और कहीं पे बड़ी हो। ये मैं आप देख सकते हैं, वो नीचे पैनल पे बिल्कुल रबड़ मैट बिछा हुआ है और नीचे से वायरें ऊपर आ रही हैं ये दोनों। और इसको अभी मैंने क्या किया, ये एक वायर मैंने कंप्लीट की हुई है, ये देखें जो है ना इसका पैनल से थोड़ी सी मैंने इसकी इंसुलेशन जो है वो बाहर निकाली हुई है इसकी प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको काटा हुआ है, ये आप एक इंसुलेशन काटी है, उसके बाद ये उसके ऊपर जो है वो मेटल की जो छोटी छोटी वायर होती हैं वो मैंने काटी हुई है, ये इसकी प्रोटेक्शन के लिए होती हैं। और उसके बाद इसकी तीसरे नंबर वाली इंसुलेशन आएगी, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर रख के और काट दूँगा। तो आगे मैं अभी ये मैं स्टेप आपको करके दिखाता हूँ, ये एक मैंने पहले कर ली है, अभी दूसरी वायर जो है ना उसकी मैं आपको स्टेप बाई स्टेप करके दिखाता हूँ। इसको मैंने हमने एक नाइफ की मदद से जो कि बहुत तेज़ धार होता है उसकी वजह से हमने इसको काटा हुआ है, और ये ऊपर वाली इंसुलेशन हम बता रहे हैं। ओके, ये देखिए जी, इसकी इंसुलेशन जो उतर गई है और उसके बाद जो है ना ये मेटल की वायरें निकल आई हैं। इन्हीं वायरों की वजह से हम इसको इस केबल को जो है ना वो आर्मर्ड वायर बोलते हैं। तो इसको काटने के लिए सबसे बेस्ट वे है, आपके पास केबल टाई होगी तो आपने इसको केबल टाई लगा देनी है इन वायरों को, ताकि अगर आप काटें तो आपकी वायरें सीधी काटी जाएँ, इधर उधर नहीं होंगी। जितनी आपको ये चाहिए स्पेस उतनी आपने स्पेस रख के इसको जो है ना वो केबल टाई लगा लेनी है, और उसके बाद आप ग्राइंडर या फिर आरी की मदद से आराम आराम से इसको काट लें। ग्राइंडर से काट रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपकी वायर ना कट जाए, आपको बिल्कुल जो है ना वो प्रोफेशनल तरीके से काटना होगा। अगर आप आरी की मदद से काटेंगे तो इसमें इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आरी तो बंदे के जो है ना वो कंट्रोल में ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे उस्ताद भी जो है ना वो बड़े मस्त हैं, तो ग्राइंडर का यूज़ करेंगे, हल्का हल्का थोड़ा सा ग्राइंडर लगाएं और बाद में ये जो तार है ना वो आप इससे ऐसे करेंगे। देखें ये बिल्कुल अंदर तक इसकी कटिंग नहीं कर रहा, बल्कि ऊपर ऊपर से डिस्क चला रहे हैं। ये ले जी, हल्की सी कटिंग हो गई, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर ऊपर से काटा हुआ है इसको, और उसके बाद हम इसको ऊपर से निकालेंगे। ये देखें इस तरह आप इसको खोल सकते हैं, वायर को रिलीज कर दें। वायर को पकड़ के आप आगे पीछे करें तो ये क्योंकि एलुमिनियम की होती है तो बड़ी इजीली ये टूट जाती है, एलुमिनियम की भी होती है और स्टील की भी होती है, लेकिन स्टील की थोड़ी सख्त होती है, एलुमिनियम की नरम होती है, तो इसको आप बिल्कुल आगे पीछे करें तो ये टूट जाएगी। ओके, चूँकि अब ये मैंने वायर्स यूज़ नहीं करनी
इसको मैं इस तरह टेप लगा दूंगा। इसके दो तरीके हैं, या तो आप ब्लैक टेप लगा दें या फिर आप इसके ऊपर हीट स्टिंक लगा दें। हीट स्टिंक वो भी चलती है और टेप भी चलती है। अब चूँकि हम यहाँ से यहाँ पर टेप लगा रहे हैं तो क्योंकि स्टैंडर्ड टेप पर चल रहा है तो हम लोग टेप लगा रहे हैं। ठीक है, आप हीट स्टिंक या फिर टेप दोनों का यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, ये हमने इसको टेप लगा दी, जो वायर्स थी उसके अंदर टेप के अंदर जो है ना वो सेव हो गई। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास ये तीसरे नंबर वाली इंसुलेशन आ जाती है जो लास्ट वाली होती है, तो इसको भी पहले स्टेप पहले हमारी वायर यहाँ तक है, थोड़ा सा इसको ऊपर करके आपने उसके बराबर तकरीबन जितना आपने पहले इंसुलेशन छोड़ी हुई थी उसके ऊपर आप कट लगा लें इस तरह गोलाई में। यहाँ आप केबल टाई भी लगा के इसको कट कर सकते हैं। अगर आप में कॉन्फिडेंस है कि आप बिल्कुल सीधी काट सकते हैं केबल टाई के बगैर, तो आप इसको इस तरह भी काट सकते हैं वाइट से। जी ये आप इसको कट करें और उसके बाद बिल्कुल उसी तरह इसकी इंसुलेशन भी आप रिलीज कर लें। जैसे कट लग रहा है इसका। ओके, अभी आप जो है ना इसको ये देखेंगे कि हम उसी नाइफ की मदद से इसको एक कट लगाएंगे अपनी पूरी वायर को, उसकी इंसुलेशन को कट लगाएंगे। यहाँ पे आपने ख्याल करना है कि आपका जो नाइफ है वो ज़्यादा गहरा नहीं जाना चाहिए, इससे जो क्योंकि ये लास्ट वाली इंसुलेशन है तो इसके बाद जो है ना वो अंदर में वायर शुरू हो जाती हैं। अगर आप ज़्यादा गहरा इसको मारेंगे तो आपकी वायर को कट लगने का खतरा होता है, जिसकी वजह से वायर डैमेज हो सकती है। सही है, तो आपने बिल्कुल ऊपर ऊपर जो है ना वो नाइफ चलाना है इसकी इंसुलेशन के अंदर ही, इंसुलेशन के बाहर जो है ना वो कोशिश करने की ना। तो बिल्कुल हैंड की मदद से आप इस तरह से खोलें, ये देखें, और इस तरह खींचें और आपकी जो वायर है उसकी इंसुलेशन उतर गई। ओके जी, ये आप देख सकते हैं इंसुलेशन उतर गई और उसके अंदर से ये वायर निकल गया। ये तीनों फेज़ हैं थ्री कोर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरी ये 95 mm थ्री कोर की वायर है, तो तीनों कोर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए जी, तीनों फेज़ हैं, क्योंकि ये मोटर की वायर है इसमें न्यूट्रल नहीं आती, तो तीन फेज़ ही लगेंगे। तो ये जी, इसके ऊपर भी बिल्कुल आप थोड़ी सी टेप लगा लें, इससे जो है ना वो आपका काम थोड़ा सा। इंसुलेशन के बाद आपने ये देखा, मैं इसको थोड़ा सा वायर को सेव करने के लिए इसको बेंड डालूंगा। ये देखिए, इसको मैंने इस तरह बेंड डाला हुआ है और इसको मैं थोड़ा सा मूव करके गुलाई करके इसको अपने कनेक्टर्स में लेके आऊँगा। ये कनेक्टर आपको नज़र आ रहे होंगे UVW, यहाँ पर मैंने कनेक्टर लेना। ठीक है जी, अभी ये देखें मैं आपके सामने वायर को मूव करूँगा। इस तरह आपने जितना भी आपको थोड़ा सा बेंड चाहिए आपने बिल्कुल आराम से प्यारा सा करके मूव करना है और इसको आप उधर पर मैच करके काट सकते हैं। जिस तरह ये रेड वायर मैंने पहले ही काटी हुई है, तो इस तरह आपने पर मैच करके उसको काट लेना है। तीनों फेसों को, तीनों वायरों को आपने काट लेना है। देखें इस तरह गुलाई करके। ओके, ये हमने इसकी कटिंग कर ली है वायर की, क्योंकि मेरे पास दो सेट आ रहे हैं वायर के, मैं एक ही वीडियो बना रहा हूँ। ये देखो, दोनों सेट हमने बिल्कुल बराबर रख के ये काट दिए हैं। इसके बाद हम इसको केबल अप पंच करें। तो फ्रेंड, ये अभी हीट सिंक है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, इसको हीट सिंक बोलते हैं। ये देखें बिल्कुल रबर की तरह है और इसके अंदर हम लोग जो है ना वो वायर डाल देते हैं, केबल डाल देते हैं ग्रीन को यूज़ करने के लिए, क्योंकि जो हमारे पास थ्री फेस थ्री कोर वायर होती है उसमें ग्रीन की वायर नहीं होती, क्योंकि ग्रीन हमने अलहदा खींची हुई है। ये देखें वो क्योंकि ब्लैक कलर में है, तो उसको हम ग्रीन करने के लिए उसके ऊपर ये हीट स्ट्रिंग चढ़ा देंगे। ये आपको अगर नज़र आ रही होगी, ये हमने हीट स्ट्रिंग बिल्कुल यही है चढ़ाई हुई है। उसके बाद हम उसको हीट गन की मदद से श्रिंक कर देंगे। ये देखिए आपके सामने हमारे डॉक्टर भाई श्रिंक कर रहे हैं इसको हीट गन की मदद से। उसकी गन की जो हवा है वो बिल्कुल गर्म होती है और उसकी गर्म हवा की वजह से जो ये रबर टाइप होती है तो ये श्रिंक होकर
बिल्कुल वायर के साथ इंसुलेशन की तरह चली जाती है। ये समझ लगे इंसुलेशन का काम भी करती है, और एज ए ग्रीन वायर जो है ना वो भी इंडिकेट करेगी कि हमारी जो अर्थ चली गई जो वायर की वो बनी होनी चाहिए। हम इसको क्योंकि ये ब्लैक थी इसको हम ग्रीन बना रहे हैं, इसकी इसके ऊपर एक्शन करा रहे हैं। ये ले जी, ये देखे आप बिल्कुल उसके वायर के साथ ये चिमट गई है पिन स्ट्रिंग, और ये एक ग्रीन वायर बन चुकी है जो कि अर्थ के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो इधर से तकरीबन हम लोग टर्मिनेशन कर लेंगे तो ये ब्लैक जो है ना ये हम उतार देंगे, ये मतलब क्या लगे ज़ाया हो जाएगी जो बाकी वायर जो हमारी ये एज ए ग्रीन वायर काम करेगी। चलो तो अभी ये हमारी वायरें भी रेडी हैं, बस अभी हमने इनको पंच करना है इसका केबल लग और पंच करके इसकी टर्मिनेशन कर दी है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि पंच किस तरह किया जाता है। चाहिए ये हमारे पास केबल लग है जो हमने अभी पंच करना है। ये देखे इसके ऊपर इसकी मार्किंग भी हुई पड़ी है JM95 मतलब कि ये 95 की जो वायर है उसके लिए यूज़ होता है। तो इसको आपने करना क्या है, कोई भी वायर है, ये देखे हमारे जो आबद भाई हैं वो कर रहे हैं इसको। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने ये ऊपर से इंसुलेशन उतारी है, किस हिसाब से उतारी है, कैसे उतारी है, इसका मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने इतनी ही उतारनी है। ये आप केबल लग लेना है आपने तो वायर के ऊपर इसको आपने रख लेना है। ये देखें अभी आपको, ये देखें इस तरह रख के आपने निशानी लगा लेनी है यहाँ पे, और उसके बाद आपने अपने नाइफ की मदद से जो है ना इसकी इंसुलेशन की बिल्कुल बराबर सी कटिंग कर देनी है, तो और आपने इंसुलेशन उतार देनी है। ओके, इसमें हम लोग जो है ना ये केबल लग डालेंगे। ये देखें क्योंकि साइज़ सेम है वायर का और केबल लग का, तो इस तरह आपने केबल लग डाल लेना है। लेकिन आपने ये ख्याल करना है जहाँ आपकी वायर लगनी है इस जगह पे, तो आपका केबल लग का जो उसकी बेस है वो भी उस साइड पे होनी चाहिए। ये ना कि आप उल्टा सीधा करके लगा लें तो बाद में अगर वायर मोटी हुई तो उसको मूव करना मुश्किल हो जाता है। बारीक वायर तो मूव हो जाती है लेकिन जो वायर बड़ी होती है उसको मूव करना मुश्किल हो जाता है। सही है, ये देखें ये हमारी एक ही जगह पर दो वायरें लगनी है तो हमने केबल लग बैक टू बैक रखा हुआ है। सही है, ये ऐसे लग जाएगा बैक टू बैक। तो अभी हम आपको पंच करके दिखाते हैं, इधर आओ। ये हमारे पास एक पंचिंग टूल है, ये इसके पास साथ बैटरी लगी हुई है, मतलब फुली जो है ना वो बैटरी पे चलता है। इसके अंदर ये इसके अपने जो है ना वो होते हैं पंच वगैरह। ये भी बिल्कुल जितनी साइज़ का वायर होगी उतनी साइज़ का ये होगा। ये सब देखें 95 है ये भी, तो वो हमने इसके अंदर फिट किया हुआ है, इसकी मदद से हम वायर को पंच करेंगे। जी अभी मैं आपको कहता हूँ, चले जी पंच करें। इसको अभी इतना रखें, ओके, ये फुली ऑटोमेटिकली होता है। जब ये फुल पंच वायर पंच हो जाती है तो ये जो ड्रिल है, जो पंच है, जो पंचिंग टूल है, ये खुद ही जो है बंद होकर पीछे वो आ जाता है। ये देखिए अभी हम चेक करेंगे इसको। ठीक है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा जो केबल लग है वो बिल्कुल पंच हो चुका है, क्योंकि ये केबल लग छोटा है तो एक ही जगह पे पंच बहुत है। अगर केबल लग बड़ा होगा तो हम दो बार या तीन बार पंच भी कर सकते हैं, लेकिन ये केबल लग क्योंकि छोटा है तो एक ही काफ़ी है इसको पंच। तो इस तरह हम इसको पंच कर सकते हैं। तो ये अभी मैं आपको टर्मिनेशन बताता हूँ कि इसको किस तरह लगाया जा सकता है। ये पंचिंग टूल है, पहले अच्छे से नज़र नहीं था आ रहा। ये पंचिंग टूल है, ये मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, कोई और भी आपके पास कोई मैनुअल हो सकता है। ये तो बिल्कुल कह लें कि बैटरी की तरह, बैटरी ड्रिल की तरह है, तो मैनुअल भी होते हैं हाथ की मदद से। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो ये पंचिंग टूल है, इसकी मदद से हम लोग पंच कर रहे हैं। इससे बहुत ईजी होता है और जल्दी होता है, आसानी से होता है, बंदों को मुश्किल नहीं होती। टूल बहुत किस्म के होते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है या आपके पास जो अवेलेबल है जो आप यूज़ कर रहे हैं। इधर देख लीजिए, अब हम इसका स्क्रू खोलेंगे जहाँ पे हमने इसको इंस्टॉल करना है वायर को। ये स्क्रू खुल गया, अभी हम इसको वायर को वहाँ पे टर्मिनेट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ यूज़ होती है जो मैं आपको बताना भूल चुका हूँ, ये इसको कंडम भी बोलते हैं, और इसका मतलब इंसुलेशन के लिए भी काम करता है। जो हमारा केबल लग है उसके ऊपर केबल लग कैप भी बोलते हैं इसको।
तो ये भी वायर के ऊपर चढ़ाते हैं। अभी जो हमने वायर पंच की है उसके वायर उसके ऊपर हमने चढ़ा दिया हुआ है। ये जो हमारी येलो फेस होगी उसके ऊपर हम येलो चढ़ाएंगे, जो रेड होगी रेड चढ़ाएंगे, और जो ब्लू है फेस उसके ऊपर हम ब्लू चढ़ाएंगे। ओके जी, ये अभी हम इसको स्क्रू खोल के हमने केबल लॉक के अंदर डाल दिया हुआ है, और स्क्रू को हम बिल्कुल उसमें कनेक्शन वाली जगह पे इंस्टॉल कर देंगे। ये देखें, ये वायर को हमने थोड़ा सा बेंड किया हुआ है तो वायर को सेव करने के लिए, ताकि अगर कोई मसला मसाइल हो तो हमारी वायर हमारे पास एक्स्ट्रा हो। ठीक है, आप जी तकरीबन रेडी है, आपने सिर्फ इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉलेशन हो रही है, बस आपने स्क्रू करना है, लगाना है, और ये कंप्लीट। ये ले जी, हमारी टर्मिनेशन कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए हमने ड्रेसिंग किस तरह की हुई है। ओके,